नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं हूँ बोंडा आदिवासी गांव में। ये पड़ता है मलकानगिरी ज़िले में है, ठेठ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच तराई में ये लोग रहते हैं, घने जंगल में। मैं सुबह 11 बजे हम और धोनी भाई निकले, लगभग 5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम इस गांव में पहुंचे पैदल, काफ़ी घाटियों में ऊपर नीचे होते हुए। वो वीडियो आप ज़रूर देखना, पहले वाला, क्योंकि सारा चीज़ उससे ही आपको पता चलेगी कि आप कहां से कहां तक आए। उसमें ब्लॉग लिखे हुए हैं कि इसमें ये बोंडा ट्राइब्स ब्लॉग नंबर 2 है, पहले वाला ज़रूर देखें तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको जो यहाँ के बोंडा आदिवासी उनका कैसे वो रहते हैं, उनके गले में कितनी मालाएँ होती हैं, कैसे कैसे वो सब आपको दिखाते हैं। देखिए, ये हमारे साथ है जो बोंडा आदिवासी महिला हैं, इनके मालाएं वगैरह मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो बहुत सारी मालाएं हैं, इनको माली बोलते हैं ये लोग। और गले में देखो, इसको क्या बोलते हैं, ये सोने का है और ये चांदी। हाँ, चांदी चांदी, ये थोड़ा वजन में ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो सोने वाला है ये बहुत वज़न में है। तो इसमें टोटल कितना वज़न हो जाएगा? और कानों में देखिए आप, ऐसे झुमके पहनते हैं, और सर पे भी ये जो पहन रखा है ये भी मालाओं का ही है। देखो, ये देखो, और पीछे से ये कड़े होते हैं। और एक चीज़ और है कि जो बोंडा आदिवासी लोग हैं वो सर पे बाल नहीं रखते, महिलाएं बाल नहीं रखते, ऊपर बाल, और पैरों में आप देखोगे तो चप्पल भी नहीं पहनते हैं, और ऊपर से ये सिर्फ इतना एक कपड़ा है, यही इसी से ये ढक के रखते हैं। और घर जाते हैं तो फिर ये भी शायद नहीं होता है, इस मालाओं से अपने शरीर को ही ढकते हैं, ज़्यादा कपड़ा ये रखते नहीं है। बोलना समझ में आ रहा नहीं आ रहा? उड़िया में कुछ बोल, इनको उड़िया भी नहीं मालूम। हाथ में ये कैसी चूड़ियां हैं देखो, ये जो मिलती हैं बाजार में वैसी। गोदना भी करते हैं कि नहीं? कौन सा? यहाँ गोदना, हाँ, ओ, कौन 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 करते, कौन नहीं करता, ऐसा है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये हैं बोंडा आदिवासी महिलाएं जिनका ये ऐसा पहनावा होता है, ये सबका ऐसा ही है। बच्चे भी हैं इनको, तो हाँ बिस्कुट दो इनको, इसको भी दो, इसको भी, इधर आ जाओ। ये है ना छोटे छोटे बच्चे, इनको दे दो, दे दो, खाएंगे ये। एक उसको दे दो, ओके कोई बात नहीं। इधर अच्छा, गोबर घर ले जाए। चप्पल वगैरह नहीं पहनते? इधर ये क्या है? क्या बोलेगा? थोड़ा ऊपर हाथ में दिखा ना, ये आप देख रहे हो, बाजरे जैसा ही होता है, इसको क्या बोलते हैं? सुआ, सुआ बोलते हैं। इसकी रोटी बनाते हो? हाँ, सब कुछ बनने का। अच्छा, और इसमें आप देख रहे हैं, इसको यहाँ से ऐसे बना हुआ है, इसको कूट रहे हैं। कूट रहे हैं, तो ये मिट्टी के अंदर ही कूट रहे हो? हाँ, गोबर पर डाल रहे हैं ना, तो ये इसमें मिट्टी नहीं मिल जाती? नहीं नहीं, मिट्टी नहीं मिलेगी। कैसे? वो गोबर का पानी ऊपर डाल रहे हैं ना, इसलिए मिट्टी नहीं मिलेगा। तो ये इसके ऊपर देखो आप, गोबर का पानी तो है, लेकिन ये इसके ऊपर ही कूटोगे तो मिट्टी कुछ तो मिलेगी साथ में, मिट्टी छोटा छोटा वाला मिलेगा, तो हवा आएगा तो चला जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे बना। तो दोस्तों, ऐसे ही ये इस धान को कूटते हैं, इसको क्या सुई सुई करके कुछ बोलते हैं, फिर इसकी रोटी बनती है या क्या बनता है? हाँ, रोटी बनता है, या फिर इसको खिचड़ी टाइप बनाते हैं, भात की तरह चावल बनाते हैं वैसे।
उसको क्या बोलते हो, सामने पड़ा जो कुल्ला, कुल्ला बोलते हैं, लेकिन ये छाजड़ा है हमारी भाषा में, इसको छाजड़ा बोलते हैं। ये सामने घर आप देख रहे हैं, हम अंदर से देखते हैं घर, आपको घर दिखाते हैं कि इनका घर कैसा होता है। एक मिनट में जूते उतार। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि छोटा सा गेट है, बिल्कुल छोटा सा, एक आदमी थोड़ा अगर मोटा होगा तो वो अंदर नहीं आ पाएगा। ये रसोई कौन सी है, यहाँ कुछ बर्तन हैं, ये चूल्हा भी इधर बना, अच्छा यही है रसोई। आप देखोगे इस रसोई में कितना सीमित संसाधन है, साधन है इनके पास, बर्तन वगैरह जो है बहुत कम है, जो देखिए इतना सा, और इसके अंदर क्या टमाटर है छोटे छोटे, बस थोड़ी अदरक है, और ये ज़्यादा सामान नहीं है इस रसोई में। यहाँ पे ये छोटा सा एक और है जिसमें ये सामान रखते हैं, इतना छोटा छोटा, सबके एक जैसे घर होते हैं या थोड़ा सब एक जैसे, इसी प्रकार के ये घर बनाते हैं। तो ये माता जी हैं, आप देख रहे हैं इनके, यहाँ पे ये मालाएं थोड़ी कम हैं और ये गले में भी ऐसा डाल रखा है। उम्र क्या हो गई आंटी जी आपकी? बॉयस आई डोंट आई रिमेंबर द बरस आई बरस या कितनी मालूम नहीं बोल रहे। अच्छा पता ही नहीं है, लेकिन ये सर पे बाल बहुत कम रखते हैं, यूं कटिंग करा के रखते हैं, ऐसा है ना। लेकिन घर यहाँ सीमेंट के बने पत्रे, ये क्या सरकार की तरफ से आए हैं क्या? नहीं नहीं, खुद ही बनाए, खुद ही बनाए। अच्छा खुद ही बनाए, यहाँ पत्रे वो सरकारी आया है। अच्छा तो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलते पैसे, ये आवास वगैरह मिल रहा है कुछ कुछ को मिल रहा है, सबको नहीं मिला, सबको नहीं मिल रहा। अच्छा ये बात है, पैसे 20 रुपए सुनो वीडियो बने कर रहे हैं सासु, आपने तो ये पहना नहीं ऐसा, नहीं नहीं पहना इस गुड़िया को भी दे दें। ओ गुड़िया, उसको बोला साला क्या बीचे आ गई, लो लो इसका भी दे दे। इसको ले जा रहे हैं, ले जाओ। ये उधर से जला के लाते हैं क्या? हाँ, क्यों अंदर नहीं? अंदर नहीं, बाहर से जलाना पड़ता है। तो दोस्तों ये है गांव, ऐसे छोटे छोटे घर हैं और छोटी गलियां हैं, देखो आप। छोटे छोटे घर हैं। और दोस्तों अब शाम होने वाली है और हमारे गाइड साहब गुम हो गए, अब वो पता नहीं कहाँ है, किस घर में है। भाई साहब हैं हमारे साथ, हम ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रहे। देखो भाई छोटे बच्चों के खेल देखो, तो भाई हम हमारे धोनी भाई को ढूंढ रहे हैं घर घर में, लेकिन वो मिल नहीं रहे, पता नहीं किधर गए। नहीं मिले, इधर भी नहीं। गौर कटा है दोनी गौर, यहाँ लाइट है सबके, सबके यहाँ, और ये गैस वगैरह आती है वो, गैस गैस कनेक्शन टंकी,
नहीं है किसी के भी नहीं, वो सरकार की तरफ से मिलते हैं ना। तो दोस्तों अभी हमारे धोनी भाई मिल गए आखिर, और अब हम चलते हैं, भाई साहब जा रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा अंधेरा भी होने वाला है, जितना जल्दी करेंगे उतना फ़ायदा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।